गाइस हम पहुंच गए चित्तौड़गढ़ और ये ऊपर से कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है यहाँ से। और अब हम आपको चित्तौड़गढ़ का किला दिखाएंगे जो कि बहुत शानदार किला है, बहुत बड़ा किला है, 13 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ किला है। और हमारा तन्नू चश्मा लगा के रेडी हो चुका है। आपने भी तो लगाया। और ये अपना चश्मा खोज रही है। सिंगल आपने चश्मा नहीं लगाया? नहीं, इसका चश्मा खो गया, इसने बैग में ढूंढा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा किले का सीन। हम है चित्तौड़गढ़ के फोर्ट के ऊपर और पीछे पूरा शहर देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार नजारा है। क्या और आगे भी आपको दिखाएंगे, बहुत तेज धूप पड़ रही है, यहाँ से चलते हैं। टिंकल तन्नू ने एक ड्रेस पहनी है राजस्थानी जिसमें ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ तन्नू, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। टिंकल बहुत अच्छा। इस तरह के यहाँ पे कपड़े पहने जाते हैं। और गाइस हमारे सामने है विजय स्तंभ जो कि चित्तौड़गढ़ में है और हम आ पहुंचे हैं यहाँ पर हमारी छोटी सी फैमिली के साथ जो थक चुकी है बहुत ज्यादा। ये टिंकल, इसकी हालत खराब है, इसकी मम्मी की हालत खराब है, इसकी तो नहीं इनकी बैटरी फुल डिस्चार्ज है। हिम्मत गिर गई और हम भी थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज है पर हम हिम्मत नहीं आ रहे हैं और आपको पूरा किला दिखाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? इस मंदिर पर कब जाओ? और अब हम पहुंच गए पद्मिनी महल। सो गाइस ये है पद्मिनी का, जहां पे यहां पे पद्मिनी बैठी थी जो महारानी थी, और उसको यहां पे सामने जो कांच था वो हटा दिया गया, उससे उसका दर्पण यहां दिखाया गया था। तो हम घर जा रहे हैं, आगे बहुत कुछ नहीं देखते।